देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है। नोटबंदी को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उस पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास ये फैसला था, जिसमें नोटबंदी पर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि नोटबंदी पर सरकार का जो फैसला था वो सही फैसला था। नोटबंदी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 8 नवंबर 2016 का दिन था जब रात को 8 बजे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे, जो करेंसी थी जो उस वक्त चलन में थे, उनको उसी दिन तत्काल रोक लगा दी थी, उनको बंद कर दिया गया था। और उस फैसले को लेकर अभी तक देश में सियासत हो रही है, देश में राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार अलग अलग चुनाव में, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनाव में केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते रही है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसमें एक के बाद एक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ लगाई गई थी, 38 याचिकाएं थी। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा बेंच है, संविधान पीठ, वो इस मामले को देख रहा था। 58 जो अपडेट मेरे पास है, 58 याचिकाएं इस मामले पर थी। 58 याचिकाएं नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च इकाई है, संविधान पीठ, वो इस मामले को देख रही थी। संविधान पीठ ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है और नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट जो देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है। 8 नवंबर 2016 का यह मामला है जब देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट को उसी दिन बंद कर दिया था, उसको चलन से बिल्कुल बाहर कर दिया था। और उस मामले को लेकर जो सियासत हो रही थी, राजनीति हो रही थी, वो आज भी होती है। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं थी उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले को देख रही थी, संविधान पीठ इस मामले को सुन रही थी। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सही था। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस फैसले को सही बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। 8 नवंबर 2016 जब देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, उस वक्त जो 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में थे, उसको उसी दिन 8 बजे रात को ही, 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे चलन से बाहर कर दिया गया था, भारत की अर्थव्यवस्था से उसको बाहर कर दिया गया था। और इसके बाद देश में एक उहापोह स्थिति कई महीनों तक बनी रही, लोगों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई। इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमले होते थे। 2016 के बाद 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तमाम विपक्षी पार्टियां नोटबंदी को लेकर सवाल उठाते रहीं। केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर थी। फैसला पूरी तरीके से साफ हो गया है कि 4-1 के संविधान पीठ ने बहुमत से इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले को लेकर संविधान पीठ के 4 जजों की राय एक है, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बीआर गवई, ये चारों जज इस बात को लेकर के एकमत हैं कि नोटबंदी का जो फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो कानूनी तौर पर ठीक थी,
आरबीआई एक्ट के जो सेक्शन 26(2) के तहत जो आरबीआई को अख्तियार हासिल हैं उसका पूरी तरीके से इसमें पालन किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सीरीज के नोटों को ही वापस लिया जा सकता है, कि पुराने नोटों को वापस लिया जा सकता था। जो सरकार ने कदम उठाया वो अपने अधिकार क्षेत्र में, उनके आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में वो कदम था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरबीआई और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था इस पूरे मामले को लेकर के कि 7 नवंबर को एक चिट्ठी भेजी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई को, और उसके बाद आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की आनन फानन में मीटिंग होती है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो एक तरीके से सलाह दी जाती है उसी सलाह को एक सिफारिश के तौर पर आरबीआई की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है, और उसके बाद नोटबंदी का फैसला अमल में लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात पर उठाए गए थे कि एक जो इनिशिएटिव होना चाहिए था इस प्रोसेस का, वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और एक तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया गया, ऐसा याचिकाकर्ताओं का दावा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार किया, उसके बाद ये माना कि इस प्रक्रिया में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी, और सरकार का जो फैसला था उसको लेकर के आरबीआई और सरकार के बीच व्यापक विचार विमर्श चल रहा था, और आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत जो अधिकार हासिल हैं उसके तहत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से इसमें पालन लिया गया इस फैसले को लेने में। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 जजों की बेंच इसको सुन रही थी, 4-1 से इस मामले पर फैसला आया है और नोटबंदी के फैसले को सही बताया गया है। थी याचिकाओं में वो सबसे पहली बात ये थी कि उनका ये कहना था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें रिवर्स कर दिया गया, यानी सरकार के कहने पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने ये सिफारिश सरकार को भेजी, जबकि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से इस सिफारिश को आना चाहिए था। दूसरा उनका ये कहना था कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत महज कुछ सीरीज के नोट को वापस लिया जा सकता है, 500-1000 के सारे नोटों को वापस लिया नहीं जा सकता, ये याचिकाकर्ताओं का कहना था। तीसरा उनका ये कहना था कि एकाएक जो फैसला लिया गया उसके तहत 86% जो करेंसी थी वो एकाएक सर्कुलेशन से बाहर हो गई, और इसके वजह से लोगों का रोजगार, लोगों की आजीविका और लोगों के व्यापार पर गलत असर पड़ा, लोगों के संवैधानिक और मूल अधिकारों का हनन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस था उस पर सवाल उठाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ किया था कि चूंकि फैसले को वापस जाकर के पलटा तो नहीं जा सकता, वो ये जरूर ये तय करेंगे कि क्या इस मामले को लेकर के फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो ठीक थी या नहीं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो इसके लिए एक गाइडलाइन भी तय होनी चाहिए, एक रूपरेखा भी साफ होनी चाहिए कि आखिर इस तरह के फैसले कैसे लिए जाएं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इसमें कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं है, और 58 याचिकाएं जो इसके खिलाफ लग। सबसे पहला कहना यह था कि ये जो कदम उठाया गया था ये काला धन को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, नकली नोटों के व्यापार को रोकने के लिए और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए ये सरकार का एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया। आरबीआई की तरफ से साफ किया गया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश थी ये, और आरबीआई की तरफ से पूरा ये फैसला लेने की जो प्रक्रिया है इसका प्रोसेस शुरू हुआ था, ये आरबीआई के वकील की तरफ से जो जयदीप गुप्ता थे उनकी तरफ से कहा गया। और सरकार का ये भी कहना था कि इकोनॉमिकल ये पॉलिसी डिसीजन है और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सरकार की मंशा को देखा जाना चाहिए कि सरकार की मंशा थी नोटबंदी के जरिए काला धन को, टैक्स चोरी को, आतंकी फंडिंग को रोकने की, ये कितना सफल हो पाए नहीं हो पाए अपने आप में एक सवाल अलग बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं। और मुख्य बात ये थी कि सरकार और आरबीआई की तरफ से कि नीतिगत मसले में कोर्ट को दखल देने का औचित्य बनता नहीं। तो चलिए लगातार इस मामले पर अपडेट आ रहा है क्योंकि अभी फैसला आया है और 5 जजों की बेंच इस मामले को देख रही थी, 5 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी, तो जो फैसला है वो 4-1 से इसके पक्ष में आया है। हालांकि अब से थोड़ी देर के बाद जब इस मामले में फैसले की कॉपी आएगी तो इसका गहनता से स्टडी होगा कि किस जज ने किस बिना पर इस फैसले का समर्थन किया है या खारिज किया है। 4 जजों ने अगर इस फैसले को सही माना है तो क्यों माना है, और जिन जज साहब ने इस फैसले को सही नहीं माना है
उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं, क्या लॉजिक दिए हैं, लेकिन 4-1 से यह फैसला पक्ष में आया है।